मिठाई है, आप देख सकते हैं देखने में भी क्या सी लग रही है ना, ये यूनिक सा, और इसका इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है ये साबूदाना है, लेकिन ये साबूदाना नहीं है ये। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हो गई सुबह और चाय मैंने पी ली है अभी, और मेरे बेटे को भी मैंने अभी दूध पिलाया है बोतल से, थोड़ा सा बोतल में अभी छोड़ के गया, थोड़ा सा पिया उसने बस। वो देख लिया ना कि चूहा चूहा मेरा मर गया था यार, पता नहीं मरा नहीं था, मतलब उसकी पूंछ फंस गई थी, तो उसको फेंक के आए हैं पापा। फिर उसके बाद मैं सारा साफ वाफ करके किचन, और मैं सब्जी वगैरह काट रही हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी सब्जी। और मैं सब्जी बना रही हूँ, देख सकते हैं आप कि मैं शिमला काटूंगी, प्याज है, लहसुन है, बाकी मसाले मैं, ठंड लग रही थी तो मैं अपना यही कम्बल में बैठ के अपना मैंने सोचा कि मैं काट लेती हूँ बैठ के तसल्ली से। हूँ सब्जी, और मैंने सब्जी के लिए आलू बॉईल कर लिए हैं, टमाटर काट लिए हैं, प्याज काट लिया, और साथ में मैंने मसाला भी पीस लिया है। तो मसाले में देख सकते हैं आप, लहसुन, मिर्च, अदरक, टमाटर और धनिया, काली मिर्च, सारी चीजें हैं इसमें। मेरे आलू जो है वो बॉईल हो गए हैं, और मैं अब इनको छीलूंगी और फिर मैं इसकी बनाऊंगी सब्जी। तो आलू की सब्जी और चावल रोटी। तो मैंने आलू को छील लिया है और उसको मैश कर लिया है, और साथ में टमाटर, साथ में सारे मसाले खत्म हो गए थे वो सारे निकाल लिए हैं मैंने। धनिया खत्म था, मिर्च खत्म थी, जीरा खत्म था, हल्दी खत्म थी, नमक अभी उसमें डिब्बे में डाल दूंगी, उसमें से डाल दूंगी इसमें। बाकी मैंने डाल दिया है इसमें तेल, जीरा, प्याज, जैसे ये हल्का सा लाल हो हम इसमें डालेंगे टमाटर, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, और वो अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे अपने आलू। तो मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, इसका कलर कितना टेस्टी लग रहा है, कितना प्यारा कलर लग रहा है। टमाटर हल्का सा रोस्ट हो गया तो इसमें डाल दूंगी मसाले। इसमें डालूंगी मैं हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब ये जब तक इसको भूनेंगे तब तक ये थोड़ा सा अपना तेल ना छोड़ दे, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जो मसाला है उसने तेल छोड़ दिया है, भाप की वजह से दिख नहीं रहा है। अब इसमें मैं डाल दूंगी आलू, वो थोड़ा सा भून के फिर हम पानी डाल देंगे। आलू इसमें डाल दिए और उसको करेंगे हम मिक्स। सब्जी बन के हो गई है रेडी, तो देख सकते हैं अभी ये उबल ही रही है, वैसे बन गई है ये। टेस्टी टेस्टी सब्जी है ना, मजा आ जाएगा साथ ही। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला। धनिया मेरा खत्म हो गया, अगर धनिया आपके पास हो तो आप उसकी उससे गार्निश कर सकते हैं ऊपर से डाल के। फाइनली गाइस, तो मेरा खाना जो है वो बन गया है, हो गया है रेडी। और मेरा बेटा ना आज पूरा दिन खेला है तो वो थक गया है, तो वो अब भी सोया हुआ है। देखो मैं दिखाती हूँ, अभी वो सो गया है क्योंकि वो सारा दिन खेला है, आज वो सोया नहीं था दिन में, तो इसी वजह से वो सो गया है। मैं खाना बना लिया है, मेरा खाना हो गया है रेडी, अब ये भी आ जाने वाले हैं, तो I'm excited. तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो शाम को ये आ गए थे और अभी ये ऑफिस चले गए हैं, और इसको देख लो चॉकलेट लेके आई, कैसे चॉकलेट खा रहा है। डेविन चॉकलेट दिखाओ, चॉकलेट दिखाओ, चॉकलेट दिखाओ, ये तो छुपा रहा है। तो ये छुपा रहा है, और वहाँ की एक स्पेशल मिठाई है जो ये वाली है, मैंने अभी थोड़ी सी खाई है, बहुत ही अच्छी लग रही है, देख सकते हैं आप, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। और ये साबूदाने जैसा लग रहा है लेकिन ये चीनी का है शायद, मीठी मीठी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन साथ में मेरे लिए एक सॉल लेके आए हैं, और क्या लेके आए हैं, ये मिठाई लेके आए थे बस, और कुछ नहीं लेके आए।
अब खा रहा है चॉकलेट। ये बर्फी का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये वहां की फेमस मिठाई थी, 600 रुपए किलो। हाँ बेटो, छील के खाओ, छील के खाओ, हाथ से छीलते हैं, छील के खाते हैं बेटा। देखो क्या किया है आपने, दिखाओ, ये देखो। बहुत मस्त लग रही है। काजू कतली वहां पे 1000 रुपए किलो थी, तो वो भी लेके आए भैया, सॉरी आधा किलो, और ये भी आधा किलो। बहुत अच्छी लग रही है। ये ना वहां से मिठाई लेके आए थे, बंगाली स्वीट्स शॉप देहरादून। बहुत ही प्यारी मिठाई है, आप देख सकते हैं, देखने में भी कैसी लग रही है ना, ये यूनिक सा। और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है ये साबूदाना है, लेकिन ये साबूदाना नहीं है। ये तो मैंने इसको रख दिया है ऐसे पैक करके। और ये लेके आए थे काजू कतली, भी बहुत अच्छी लगती है खाने में, टेस्टी टेस्टी। और ये लेके आए थे आम की ये ऑरेंज की टॉफी, और ये मिक्स, और साथ में ये सोप। तो ये भी बहुत, ये मेरे बेटे के लिए, उसको टॉफी पसंद है, तो उसके लिए ये सारी चीजें लेके आए। और मेरे लिए ये वाली स्टॉल लेके आए हैं, स्टॉल बहुत ही प्यारा है ये भी, मतलब बॉर्डर बॉर्डर है, और इसमें ये धागे का वर्क है, बहुत अच्छा लग रहा है। कलर भी इतना प्यारा है इसका, रेड वाला। तो ये मेरे लिए लेके आए हैं, और एक मम्मी के लिए लेके आए हैं। तो हे गाइस, कमेंट में बताना कि आपको मेरा आपको मेरा स्टॉल कैसा लगा, और साथ में ये मिठाई भी बहुत टेस्टी टेस्टी लेके आए हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है। देहरादून की स्पेशल स्पेशल मिठाई इसको बोलते हैं। तो हम भी सोच रहे, पता नहीं क्या, मुझे तो अपने नाम भी याद नहीं है कि इसका नाम क्या है। तो अगर आपको नाम पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।